मेरा नाम अजय है और हम लोग दोनों भाई हैं, नोएडा से आए हैं। तो हम लोग उस टाइम 2 बजे की बात थी, हम लोग क्लॉक रूम के गेट के पास ही खड़े थे। तो हम लोग माता के भवन के लिए एंट्री कर रहे थे और वहाँ से कुछ लोग भीड़ थी, वो क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कराने के लिए जा रही थी। तो वहाँ पर हुटिंग से हुई थी कि पत्थर गिर रहा है, यानी कि जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसकी वजह से भगदड़ से एकदम से स्टार्ट हुई। और जैसे ही भगदड़ हुई उस टाइम वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना नहीं था और पुलिस प्रशासन के जो जवान थे वहाँ पर बहुत ही कम संख्या में मौजूद थे, जो कि पूरी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, काबू नहीं कर पाए। उसकी वजह से भीड़ बेकाबू हुई और यह हादसा हुआ। क्या कितने बजे का टाइम रहा था उस टाइम पे और क्या वहाँ पे जो स्थिति थी क्या रही थी उस टाइम पे? रात 2 बजे का टाइम था और स्थिति बहुत ही मतलब डरावनी हो गई थी, क्योंकि हम लोगों को जो जगह मिलती जो पिलर के साइड वाला रोया से हम लोग भाग रहे थे और पीछे हम लोग देख रहे थे कि मतलब एकदम से भीड़ एकदम ऐसे आ रही थी। और क्योंकि वहाँ पे पुलिस के सिर्फ 2 जवान थे तो उन्होंने कंट्रोल भी नहीं कर पाए। सही तरीके से कौन से क्लॉक रूम थे भवन में? अलग अलग परिसर में क्लॉक रूम है, बता सकते कौन सा? 2 और 3 वाले में, जो गेट नंबर 3 है वहाँ उसके पास। आपके परिवार के साथ कौन कौन आया? और नहीं, मैं, मेरा भाई और एक मेरा फ्रेंड है, वो हम 3 थे। रात को जब हादसा हुआ वहीं पे मौजूद? हाँ, हम लोग धक्का लगा था, हम लोग फिर साइड से निकल के भाग के निकल गए थे आगे से। भीड़ कितनी रही होगी? भीड़ बहुत थी, तकरीबन ये समझ लीजिए कि पांव रखने तक की जगह नहीं थी वहाँ पे।